हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में मेरे पास में अगर दो गिवन पॉइंट्स हैं, आई एम डिनोटिंग देम बाय ए, एक्स वन, वाई वन, जेड वन, और दूसरा पॉइंट है बी, एक्स टू, वाई टू, जेड टू। मुझे एक लाइन लेनी है जो इन दोनों से पास होती है, मुझे उसकी इक्वेशन बतानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है, दैट इज़ पी, और एक्स के वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, तो पहले मैं इसके ज़रा कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। इन पॉइंट्स के जो हमने ए बी सी हैं, इनके मैं पोजिशन वैक्टर्स अगर लूँ, तो अगर ओ ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, ये ओ है मेरे पास, बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी एंड दैट इज़ बी वेक्टर, और पी जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर। तो ये जो पॉइंट पी है ये एक लाइन को फॉर्म करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि मेरा जो वेक्टर ए पी है और वेक्टर जो ए बी है वो क्या होने चाहिए, दे शुड बी उनका एक प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ। इफ ए पी बी आर कोलिनियर, तभी तो तीनों एक लाइन फॉर्म करेंगे, पी जहाँ पर भी मूव करेगा। तो क्या है कि वेक्टर ए पी जो है दैट शुड बी कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर होना चाहिए ए बी के, और अगर कोलिनियर है तो हमें पता है कि जो दो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ से मैं अगर ए पी की वैल्यू निकाल लूँ, तो ए पी की वैल्यू होगी मेरे पास में ओ पी माइनस ओ ए इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरे पास में आएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये मेरे पास में जो है इक्वेशन बन गई है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मेरे पास में इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स जिनके जो वेक्टर वो फॉर्म है वो ए वेक्टर ए वेक्टर बी है। अब ये तो थी मेरे पास में वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म की बात करनी है, सेम चीज़ को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा मेरे पास में। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर इसी को वेक्टर फॉर्म को ही थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ, मैं लिखूँगा कि अगर सेम इफ फॉर कार्टेशियन फॉर्म अगर जो मेरे पास में है ए पी बी आर कोलिनियर, तो मैं लिखूँगा जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए पी दो शुड बी प्रोपोर्शनल टू डी आर्स ऑफ ए बी, है ना, ए बी एक है कोलिनियर के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं मल्टीप्लाई। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे मेरे पास में, होंगे एक्स माइनस एक्स वन और इक्वल्स टू लेमडा, ए बी के क्या होंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ये होगा वाई माइनस वाई वन, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू y2 टू माइनस वाई वन, तीसरा होगा z माइनस जेड वन इक्वल्स टू जेड टू माइनस जेड वन, डी आर प्रोपोर्शनल हो गए मेरे पास में। अब यहाँ से जब मैं इन तीनों की हेल्प से लेमडा की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा, अगर मुझे सिर्फ लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी मेरे पास में, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी लेमडा के इक्वल होगा फर्स्ट वाले से, और y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ये भी लेमडा के इक्वल होगा,
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो ये जो है मेरे पास में कि तीनों इक्वल होने चाहिए किसी भी, है ना, किसी भी एक स्केलर के है जिसके भी, तो ये मेरे पास में इक्वेशन बन जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे दो पॉइंट से पास होने वाली एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू।